दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिहाब भाई पर हुए जानलेवा हमलों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि सिहाब भाई पर किन किन लोगों ने हमला किया था। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि हमारी तरफ से दी हुई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिहाब भाई अभी कहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम आपको बता दें कि सिहाब भाई राजस्थान में अपना सफर को तय कर रहे हैं और आज सिहाब भाई को अपने सफर पर रवाना हुए 68 दिन पूरे हो चुके हैं। तो आप लोगों ने तो सोशल मीडिया में या फिर YouTube में ऐसी वीडियोस और फोटोज तो जरूर देखी होगी जिसमें ये बताया जा रहा है कि सिहाब भाई जो अल्लाह के नेक राह पर निकला है उन पर जानलेवा हमला हुआ है और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। दोस्तों ये पूरी जानकारी सरासर गलत है, अभी सिहाब भाई पूरी तरह सलामत है, उन पर किसी तरह का जानलेवा हमला नहीं हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि सिहाब भाई ने ये वीडियो अपने ऑफिशियल YouTube चैनल पर 1-2 घंटे पहले ही अपलोड किया था जिसमें सिहाब भाई पूरी तरह सही सलामत दिख रहे हैं। दोस्तों एक बात तो हम सभी मानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर सिहाब भाई की मकबूलियत को देखकर और इनके चर्चों को सुनकर उनके अंदर जलन पैदा हो चुकी है, लेकिन उन लोगों को शर्म करनी चाहिए कि एक नौजवान अल्लाह के घर पैदल जा रहा है, वो नेक काम करने जा रहा है, तो हम कैसे लोग हैं जो इस नौजवान के मकबूलियत को देखकर जल रहे हैं। दोस्तों सिहाब भाई एक नेक सफर पर निकले हैं तो हमें उनके कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, ना कि उनके मकबूलियत को देखकर अपने अंदर जलन पैदा करे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सिहाब भाई से ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं सिहाब भाई से जुड़ी एक और न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।